डॉक्टर साहब ने 1930s में एक 400 पेज का ग्रंथ लिखा, आर्यन इन्वेजन थ्योरी के खिलाफ लिखा। आज से 90 वर्ष पूर्व ग्रंथ लिखा है, राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 7, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है, हमको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं ये कॉन्कॉक्टेड हाइपोथेसिस है। पहले अंग्रेजों ने कल्पना करी, क्या बाहर से आए, बाद में एविडेंस ढूंढ करके ला करके लगाने की कोशिश की। डॉक्टर साहब की पुस्तक को अब 90 वर्ष बीत गया। उस समय डॉक्टर साहब कहते हैं महाराष्ट्र में देखो ना, महार भी है मराठा भी है, दोनों का गोत्र एक है, नेजल इंडेक्स एक है। पंजाब में देखिए, वहां अनुसूचित जाति के लोग भी हैं और अन्य लोग भी हैं, वहां के ब्राह्मण जाट और वहां के अनुसूचित जाति के लोगों का नेजल इंडेक्स, जो ब्रेन के अंदर का कैपेसिटी, वो सब बराबर है, उनके गोत्र समान है। अरे बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए हैं। अंत में वे लिखते हैं एक झूठा एक सिद्धांत स्थापित करने की कोशिश की गई थी, आर्य बाहर से नहीं आए। 33 बार ऋग्वेद में आर्यों का वर्णन है और कई बार रेस के नाम से नहीं है। दुर्भाग्य है वो शोध आगे ज्यादा नहीं बढ़े। यदि भी हम नए डीएनए टेस्ट आ रहा है, नए नए पुराने जो नीचे से खुदाई में मिल रहा है, सिद्ध हो चुका आर्य बाहर से नहीं आए थे,